नमस्कार दोस्तों, लाइफ से यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस योजना के बारे में बात करने वाले लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से वो योजना है और क्या उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके पास आपकी कोई बेटी है तो आपको डायरेक्टली आपकी जो बेटी है वो 1 लाख की मालिक हो सकती है। जन्म होते ही वो आपकी बेटी 1 लाख की मालिक हो सकती है। तो उसी के बारे में हम जानकारी देने वाले कि उस योजना में आपको क्या फायदा होने वाला है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, गूगल को ओपन कर लेना होगा। गूगल को ओपन कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा लाडली लक्ष्मी योजना। जैसे आप इस पर लिख देते हो तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन खुल जाता है www.ladlilakshmi.com। तो देख लीजिए, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के लिए, तो आप अगर मध्य प्रदेश से हो तो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये, अगर आप किसी और स्टेट से तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, तो ये जान लीजिए जी कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन एवं पंजीकरण राशि का प्रदाय, तो देखिए योजना अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षों तक ₹6,000 मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाएंगे। अर्थात कुल राशि ₹30,000 बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2,000, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर ₹4,000 और कक्षा 11वीं प्रवेश लेने पर ₹6,000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर आपको ₹6,000 ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम भुगतान ₹1,00,000 बालिका की आयु 21 वर्ष होने के बाद तथा कक्षा 12वीं परीक्षा के में सम्मिलित होने पर भुगतान की जाएगी, किंतु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व ना हुआ हो। तो दोस्तों इसी को इस यहाँ पर इस तरह से शर्त है। और देखिए यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखिए आवेदन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए दोस्तों जैसे आप आवेदन पर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर आपको 3 तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। देखिए आवेदन लोकसभा प्रबंधक आप इस तरह से कर सकते हैं, आवेदन जनसामान्य द्वारा प्रबंधक मतलब आप खुद से कर सकते हो, और आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रयोजन कार्यालय। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना होगा, आपने खुद से आवेदन ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप आवेदन जनसामान्य द्वारा यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू टैब में ओपन हो जाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना का जो लोगो है वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन भरने होते हैं। तो देखिए मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, तो यहाँ पर आपको कृपया चुने हाँ या ना दोनों में आपको करना है, ना का भी ऑप्शन यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद मैं आयकर दाता हूँ, अगर है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर किसी बालिका हेतु आवेदन किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप 2 बालिका के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्रथम या द्वितीय। तो यहाँ पर आपको जो भी भरना है, आपकी जो भी जिस भी भर देना है वो भर दीजिए। उसके बाद बालिका का पंजीयन आंगनवाड़ी में कराया जा चुका है, अगर कराया जा चुका है तो यहाँ पर आप हाँ कर दीजिए, अगर नहीं कराया जा तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना, और उसके बाद जानकारी सुरक्षित करें यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो तो देखिए दोस्तों उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भर देनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी आपको समझा देते हैं क्या क्या भरना होता है। तो देखिए दोस्तों सामान्य जानकारी, जिला आपका भर देना होता है, उसके बाद परियोजना भर देनी होती है, तो गाँव शहरी जो जिस भी जगह आप रहते हो वो यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बालिका की व्यक्तिगत जानकारी, यहाँ पर बालिका का नाम, बालिका का उपनाम, बालिका का जन्मदिनांक, बालिका का जन्म स्थान है यहाँ पर आपको चुन लेना होगा, घर, अस्पताल, अन्य जगह जहाँ पर भी बालिका का जन्म हुआ है। उसके बाद देखिए बालिका का माता का नाम, बालिका का पिता का नाम, बालिका की माता की आयु, बालिका के पिता के नाम, बालिका के पिता का उपनाम, बालिका के पिता की आयु, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भर देनी होगी। उसके बाद परिवार की जानकारी, यहाँ पर आपको बालिका के भाई बहनों की संख्या, यहाँ पर आपको चुने पर क्लिक कर देना होगा, जो भी जितने भी होगी यहाँ पर आपको कर देने होगी। यहाँ पर 2 ऑप्शन
ऑप्शन दिखाई दे रहे दो, तक यहाँ पर आप भर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भर दीजिए, उसके बाद देखिए आवेदन की, यहाँ पर आपको आवेदन बालिका की बहन की हितग्राही यहाँ पर आपको चुन लेना होगा, यहाँ पर हाँ या ना। उसके बाद देखिए आवेदन का वर्ग यहाँ पर चुन लीजिए, यहाँ पर आप जो कैटेगरी वो चुन लीजिए। उसके बाद देखिए परिवार का स्रोत यहाँ पर चुन लेना होगा, जिस भी स्रोत से आप आपके पिता बालिका के पिता पैसा कमाते हैं। उसके बाद देखिए परिवार का सालाना आय, परिवार का BPL है यहाँ पर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और भी जानकारी भर देनी होती है, बालिका परिवार नियोजन किसने अपनाया है यहाँ पर आपको कर देना होगा, माता या पिता परिवार नियोजन अपनाने की दिनांक यहाँ पर डाल देनी होगी, परिवार नियोजन कितने बच्चों पर अपनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये भर देना होगा बालिका के टीकाकरण की स्थिति यहाँ पर आपको भर देनी होती है, तो यहाँ पर आपको भर देना है टीकाकरण करवाया गया है या नहीं। उसके बाद देखिए पंजीकरण हेतु जानकारी, मकान जो आपका पता है वो यहाँ पर पता डाल दीजिए। उसके बाद निगम प्रमाण पत्र अपलोड करें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं, बालिका का टीकाकरण कार्ड, जो टीकाकरण कार्ड है वो आपके जो आंगनवाड़ी या जब जन्म हुआ था उसी वक्त आपको जिस अस्पताल में हुआ था वहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होता है। उसके बाद देखिए परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होता है, जो आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको माता का पिता के साथ फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होता है, माता का बालिका का माता पिता के साथ फोटो जो दोनों तीनों आपको एक साथ आनी चाहिए। उसके बाद देखिए मूल निवासी स्थायी माता या पिता, मतदान पहचान पत्र, परिवार का राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको ये अपलोड कर देना होता है। उसके बाद बालिका का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना होता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देने होते हैं। उसके बाद देखिए ये कैप्चा यहाँ पर भर देना होगा और जानकारी सुरक्षित करें, उसके बाद ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको भर देनी होगी। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी भर देने के बाद आपके पास एक प्रिंट निकलेगी और प्रिंट निकलने के बाद आपको जो ये प्रिंट भरवा देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जैसे जैसे ये होता जाएगा तो आपके बालिका के अकाउंट में आपका पैसा भेजते जाएगी, जैसे जैसे बालिका बड़ी होती जाएगी उस तरह से आपका ये पैसा आता जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आपको पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे है, तो इस वेबसाइट पे है। तो आपको अगर इस वेबसाइट पर आकर देखना है www.लाडलीलक्ष्मी.com, इस वेबसाइट पर आपको आना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।